नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत एक स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। स्वर्णिम वर्ष क्योंकि 50 साल हो गए उस जंग को जिसमें बांग्लादेश बना था, 50 साल हुए उस जंग को जिसने पाकिस्तान को अब तक सबसे गहरी चोट पहुंचाई है, और 50 साल हुए उस जंग को जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में बना है अटूट रिश्ता। इसीलिए आज के दिन हम ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं दिल्ली और ढाका में साथ साथ। मैं हूं पद्मजा जोशी और ढाका से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मिथुन मुस्तफिज। डॉक्टर मिथुन नमस्कार, टाइम्स नव भारत में आप सभी को स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से वॉर वेटरन, उन्होंने आपको बताएंगे इस विशेष कार्यक्रम में बांग्लादेश का आज़ादी का जो 50 साल हुआ है, इसी वक्त में इन लोगों ने इन बड़े लोगों से हम जानकारी करेंगे क्या था उनका एक्सपीरियंस, उनका मेमोरी। मेरे साथ जुड़े हैं अभी इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हारून रशीद, पूर्व सेना अध्यक्ष ऑफ बांग्लादेश आर्मी, एंड मेरे साथ है मेजर जनरल जीवन काराई दास। इज अ मेजर जनरल एंड वॉर वेटरन, ही ब्रेवली फॉट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1971। मेरे साथ जुड़े हैं हारून हबीब, उन्होंने राइटर, रिसर्चर एंड वॉर वेटरन ऑफ कोर्स। उन्होंने बताएंगे हमको क्या था उनका एक्सपीरियंस वॉर फिल्म में। मैं शुरुआत करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल हारून रशीद से, उसका एक्सपीरियंस क्या था वॉर फिल्म में। ब्रुटैलिटी इज ब्रुटैलिटी, नाउ दे हैव किल्ड anybody and everybody indiscriminate, because they wanted to, as for the words of the Tikka Khan, he said, I want the land, not the men. So you kill anybody you feel like. There is no judgment. Number two, they plundered the wealth in lock, stock and barrel. There is nothing left for us. Number three, they burned and thousands of houses. People had to flee to India, leaving their home motherland. 400,000 or 450,000 women were abused. So how do you say that, whether what was the barbarism? Barbarism is in the medieval age. We know how the barbarism, but this has even surpassed that medieval age. There is no comparison that you can do it. And there is no example in the history that within 9 months such a huge number of people have been killed for the independence. बहुत जरूरी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर मिथुन, क्योंकि जो बार्बारिज्म की बात की जा रही है, और यही एक्सपीरियंस जो इंडियन ट्रूप्स थे, जो लोग थे उस वक्त जमीन पर, वो भी नरेट करते हैं। यहाँ इंडिया का क्या एक्सपीरियंस था और क्यों अल्टीमेटली बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी और इंडिया ने कोऑपरेट किया फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उनको पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं जयंत सान्याल जी, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, एयर वाइस मार्शल भूपिंदर कुमार बिश्नोई भी मेरे साथ हैं, मेजर जनरल पीके बत्रा मेरे साथ हैं। बट पहला सवाल आप ही से पूछूंगी ब्रिगेडियर बलराम मेहता, क्योंकि उन्होंने जो एक बहुत जरूरी चीज बोली कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनका मोटो था, वी वॉन्ट द लैंड बट नॉट द मैन, हमें जमीन चाहिए आपकी, पर आप ही के ऊपर हम अत्याचार करेंगे, और यही आपने भी फर्स्ट हैंड देखा बांग्लादेश में, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था। ये जो कहा है उन्होंने, ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमने जो खुद एक्सपीरियंस किया है, ऐसे लगता था कि ये टोटल फ्रीडम उनको दी हुई है कि जिसको भी आपने गोली मारनी है, जिसको भी मर्डर करना है, जिसको भी रेप करना है, इट वॉज अ लाइसेंस टू किल। और इसका एक एग्जांपल हमने देखा नवपारा में, थोड़ी देर के लिए जो हमारा एडवांस था वो रुका था, और वहाँ के जो एक प्रिंसिपल थे उनके साथ 8-10 आदमी आए हमारे पास, और हमने उनसे सवाल जवाब किया, क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हमारा जो टैंक ट्रूप था वहाँ पर रुका हुआ था, और जो प्रिंसिपल था उसने बताया किस प्रकार से जो लोकल आर्मी थी और जो लोकल पुलिस थी, किस प्रकार से वो उसके कॉलेज में आए और किस प्रकार से उन्होंने पहले जितने भी मेल मेंबर्स थे उनको बाहर निकाला, उसके बाद उनको एक कमरे में डाल के आग जो है लगा दी, उसके बाद जितनी भी लेडीज़, टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको गाड़ियों में डाल के दे टुक देम ऑल द वे टू चिटागोंग फॉर फाइनल एक्सपोर्ट टू
टू पाकिस्तान फॉर वेरियस बैड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट रीजन. अपने लोग जिनके ऊपर वो अत्याचार अपने कर या अपने लोगों के ऊपर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है और जो प्रिंसिपल था उसने खुद देखा, वो थोड़ा छुपा हुआ था, उसने खुद देखा किस प्रकार से उसकी वाइफ का उन्होंने ब्लाउज जो है टेयर किया और किस प्रकार से उसको धक्के मार के बालों से खींच के गाड़ियों में जो है डाला गया. और जनरल बत्रा, क्योंकि जब आप खुद, क्योंकि ये लोग थे जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था उस वक्त, इस तरीके के एक्सपीरियंस थे, जैसे आपने बताया एक आदमी जो कि मुक्ति वाहिनी का, जिनको आप मिले, जो उसकी राखी सिस्टर के साथ हुआ, क्यों उसको मुक्ति वाहिनी में जाना पड़ा और उसके बाद आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मैं ये हिस्सा आपको बयान करता हूँ. मैं एक रिवर की रेकी करके वापस आया था, एक जगह थी मगुरा, उसके पास था, थका हुआ था मैं, ज़रा टैंक के ऊपर आके बैठ गया था. एक सिविलियन एल्डरली पर्सन जो आया, वो एक छोटी सी एक लड़के की लाश लेकर आया और उसने अपनी लाश, जो बच्चे की लाश है, वो मेरे सामने रख दी और रोने लगा. फिर वो चला गया और 5 मिनट के बाद एक छोटा सा बच्चा जो कि 24 घंटे का भी नहीं था, ला के उसने मेरे सामने रख दिया. वो रोता रहा, गड़गड़ाता रहा. जो मेरे साथ मुक्ति बाहिनी वाले थे, उन्होंने बताया कि ये बता रहा है कि आज अब से कोई 12 घंटे पहले इस लड़की जिसने एक बच्चा दिया था 12 घंटे पहले, उसको इन्होंने रेप किया, वो भी बेचारी मर गई, मेरे बच्चा भी मर गया. वो गड़गड़ाने लगा कि आप लोग मेरी मदद करें. हम उसकी मदद क्या कर सकते थे सिवाय उसको जो राशन दिया, पैसा दिया, जो कुछ दे सकते थे, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो थी नहीं जिसके पास हम कंप्लेन ले जा सकते. इसके और इस तरीके से सोचिए अपने खुद के लोगों पर. और ये उनके अपने लोग थे, ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, अपने उनके देशवासी थे, उनके साथ इतना बुरा सलूक किया. निहत्थे लोगों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर इस तरीके का अत्याचार किया गया और नहीं छोड़ा उन्होंने. और डॉक्टर मिथुन, आपके साथ तो हैं लोग जो कि मुक्ति वाहिनी के कैंप में थे. किस तरीके का था ये कैंप, कहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई, किस तरीके की ट्रेनिंग हुई और किन वजहों से उनको जा करके एक गुरिल्ला फाइटर बनना पड़ा? डॉक्टर मिथुन जी, पद्माजा आप तो देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं जनरल जीवन कनाई दास. उन्होंने स्टूडेंट थे, उन्होंने फाइटर भी थे उसी वक्त में 50 साल पहले. मैंने उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जनरल दास कहाँ थे अपनी उसी वक्त जब ये जंग का मैदान में जंग लड़ रहा था, जंग चल रहे थे, आप कौन सा प्लेस में थे, उन जगह पे कैसा अत्याचार होने देखा और किस जगह पे आप ट्रेनिंग की और फाइट की पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ? वेल व्हाट डिड यू सी देयर देन इन द वॉर फील्ड व्हाइल यू आर फाइटिंग फर्स्ट हैंड? वेल राइट फ्रॉम, इफ वी से 25 मार्च वाज द डेट इफ वी take it that way, and till 16 December or about that time, the Pakistan army let loose terror and it followed no rules, no convention, no parameters. The brutality was unthinkable, unimaginable, and we could see it right from 25th March till the end of the war. Okay, I have seen is that the first of all was that I saw the two aircrafts coming on 7th April and they're firing with machine guns. And they were firing with two machine guns on each of the aircraft and firing at the civilians, their citizens. So right from that, and we could see that there were casualties here. I mean, this is something you can't just describe. What I can say is that it is never to be subjected to this sort of terror. So that has made me that the determination sunk in me that we must fight them. We must. So I went into India, India, and then got into Mukti Bahini. Basically, I got training localized under Sector 3 and some of the battles that I fought under Sector 3 north of the Agartala Airport, and then I joined as a cadet. So, but what I want to say is that whatever they have done, they did not consider any Bangladeshi to be a human being at any stage of the battle.
And even after killing a Mukti Bahini, they dragged his body, showed others that this is the atrocities that we are committing to you. You better watch out. But whenever we kill somebody of Pakistan, of anybody, or we just captured any POWs, we followed the protocols. But they never followed this thing. So this is the differences between two terms. Thank you. Again, जो उन्होंने कह रहा है कि ये मुझे अत्याचार हुआ उसकी कोई explanation नहीं है. हारून हबीब जी उन्होंने पत्रकार थे, उन्होंने student थे, उन्होंने गरीला बने उसी वक्त youth के मैदान में. कैसे आप गरीला बने, कहाँ थे आप, कोई एक mission की बारे में हमको बताए. Please tell us about your being guerrilla and joining the war of independence. I can share with you one of my many short experiences. That I was leading a small guerrilla troops to just detonate, to destroy a railway bridge in Mymensingh, Islampur, in between Mymensingh and Islampur. But we could not just cross the Brahmaputra River, old Brahmaputra River at that time, because Pakistanis were there guarding some of the places. So all the boats, country boats, were just removed from these places. Some local people sheltered us for that night, and suddenly Pakistani, and they gave us food. All the poor people, they wanted to see how the Mukti Bahini is, Mukti Bahini members was, and some people were asking all of us, in fact, that what would happen if we are independent, when we are going to be independent, to free from the clutches of Pakistan, all this. We could not just tell them exactly the time, but assured them definitely we are going to have, you know. What happened after 2 hours, when Pakistanis encircled the village coming across the river, we just went from these places. The poor villagers who gave us shelter, who gave us food and all that, I still remember their entire village was burned down. Some of the girls were indiscriminate. They were coming with indiscriminate firing and all that. And that villages, when I went there many years later, I saw they could not just build it. अभी जो मुक्ति वाहिनी की बात की गई है, on the ground, थोड़ा सा हमारे अपने अगर दर्शकों को बैकग्राउंड भी दे दें तो इसकी शुरुआत हो गई थी 70, जो साल 1970 है उसी में शुरुआत हो गई थी, जहां पर जो इलेक्शंस हुए थे बंग बंधु जिन्हें कहा जाता है उनके इलेक्शन को नहीं माना था पाकिस्तान में. उसके बाद लगातार अत्याचार शुरू हुए सिविलियंस के ऊपर, और ज्यादातर ये लोग, क्योंकि उस वक्त आप पश्चिम बंगाल में थे जो हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, लोगों का भारत के सीमा के अंदर आना शुरू हुआ. आपके वहां पर क्या अनुभव थे इन बांग्लादेशी सिविलियंस को लेकर के, और फिर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, किस तरीके से ये सारे कैंप्स जो कि अभी डिस्क्राइब किए गए हैं मेघालय में, इम्फाल में, ये सब पूरे जो हमारा ईस्टर्न इलाका है जहां पर ये कैंप्स सेटअप किए गए, वो हमें बताइए कि क्या आपके इंटरेक्शन कैसे थे जब ये कैंप्स उनकी शुरुआत हुई. कैंप का सेटअप तो भारत सरकार ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, और हम लोगों ने ये एनजीओ जैसे भारत सेवा आश्रम और ये रामकृष्ण मिशन और भी एनजीओ आए, उन्होंने अलग अलग कैंप जगह कैंप बनाए, वहाँ पे उनके खाने का, रहने का, हेल्थ का देखभाल, और ये हमें मतलब काफी, और ट्रेनिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे भी आपने कभी इंटरेक्ट किया? ट्रेनिंग के साथ हमारा इतना रिश्ता नहीं रहता था, मैं तो सुनता ही था कि ऐसा हो रहा है और मुक्ति वाहिनी के लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं बॉर्डर के एरिया में और रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहे हैं, पर तब भी ये सवाल नहीं था कि आर्मी, हमारे आर्मी डायरेक्ट एंगेजमेंट में जाएंगे या. तो फिर इंदिरा गांधी आई अगस्त के महीने में और वो कैंप ने सब देखा और सब उनसे प्रेस वालों ने पूछा भी कि साहब ये कैसे रुक सकता है, क्योंकि तब ये वॉर का ओपिनियन नहीं चल रहा था. क्योंकि आप तो फिर वो तब उन्होंने डिप्लोमेटिक एक बड़ा वो संग्राम किया और लोगों को हर एक देश में भेजा कि भाई ये जो हो रहा है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये रेफ्यूजी जो कहानी लाते थे तब एक
कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी और तब ये व्हाट्सएप पर आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी। ढाका यूनिवर्सिटी का फॉर इंस्टेंस किलिंग ये सबने सुना था और ये जो आर्मी वाले ये लड़कियां उठा लेके अपने कैंपों में रख रही हैं और ये अत्याचार कर रही हैं, ये कहानी आती थी, ये कैंप में भी ये लोग बोलते थे। तो फिर सुनने में सब कुछ आता था पर इतना मतलब पूरा तो वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था जहां पे ये बात साफ हो गई कि अब जंग होने वाली है? अब ये मुझे कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तो अब हिस्टोरियन तब जब था तब मैं नहीं था, पर ये पता चल रहा था कि आर्मी जनरल जो थे तो उन्होंने तब इंदिरा गांधी को कहा था कि साहब ये बरसात के समय में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब कैंप में जाता था ये यहाँ तक कीचड़ थी तो उसमें ना आपके टैंक चलेंगे ना कोई जा सकता है, आप अगर बंगाल में जाएं तो वहाँ कीचड़ में चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपने बहुत जरूरी बात कही क्योंकि अब बात आगे बढ़ती है कि एक बात है कह देना कि हम जंग करेंगे, पर ये एक ऐसा इलाका है जहां पे खुद सान्याल जी बता रहे थे कि यहां यहां तक कीचड़ होता था, उसमें कैसे आपके ट्रूप्स आगे जाएंगे, टैंक्स कैसे चलेंगे, एयरफोर्स की क्या भूमिका आगे थी, ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहते हैं। पर एक बहुत जरूरी चीज सर आप बता रहे थे कि हम कहते हैं कि द टैंक्स रोल इन, पर यहाँ पे रोल नहीं कर सकते थे। और एक बहुत दिलचस्प बात आपने बताई थी, आपकी किताब में भी लिखी हुई है कि पिप्पा, वो पिप्पा क्या है और उसका जो जंग हुई थी उससे क्या संबंध है, अगर वो आप ब्रिगेडियर साहब बताएंगे हमें। जी, इसके बारे में मैं पूरी टिप्पणी दे सकता हूँ, बट उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो किताबें जो है लिखी गई हैं, इस किताब का नाम है द बर्निंग शैफीज। द बर्निंग शैफीज जो 21 नवंबर का ये जो टैंक वर्सेस टैंक बैटल हुआ था उसके बारे में पूरी कहानी जो है बताता है किस प्रकार से 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन के शैफी टैंक्स हमने डिस्ट्रॉय किए और 2 बटालियंस को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और 3 सेबर जेट्स को कैसे गिराया। उसके बाद ये दिखाता है किस प्रकार से जो मेरी यूनिट थी जिसको कि बांग्लादेश में बोलते हैं भारतीय गार्बो द प्राइड ऑफ इंडिया, किस प्रकार उन्होंने एडवांस किया खुलना तक। अब ये जो टैंक था ये इसका नाम था PT-76। PT-76 एक एम्फीबियस टैंक है जो कि बाकी टैंक को जैसे रोल तो करता है बट जहाँ रिवरीन ट्रेन आती है, जहाँ पानी आता है, वहाँ दलदल आती है, तो वहाँ पे ये उसको, क्योंकि हल्का टैंक है सिर्फ इसका वजन 14 टन है, तो ये उस दलदल को क्रॉस कर सकता है और उसके बाद पानी के अंदर तैर करके ये दूसरे पार जो है जा सकता मतलब है। मतलब कि जब आप बॉर्डर पार कर रहे थे तो वहाँ दलदल का इलाका था। जी, वहाँ बहुत दलदल होती थी और काफी झील और कई जो टाइडल रिवर्स है, टाइडल रिवर्स भी इनको जो है क्रॉस करने पड़े। और ब्रिगेडियर साहब एक चीज और, क्योंकि आपने नवंबर की बात कही, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ 16 दिसंबर जिस दिन ये 50 साल मनाए जा रहे हैं वही सोचते हैं, पर जंग इसके पहले से चल रही थी, पहले से आप टैंक हमारे गए हुए थे, लगातार ऑन द ग्राउंड जो कॉम्बैट चल रहा था, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा था, जो हमारे सोल्जर्स जा रहे थे, ये सब पहले से ही शुरू हो गया था। और आप बता रहे थे पिप्पा की कहानी। जी, इसी के साथ साथ मैं जो इसको कवर करना चाहता हूँ, जो लास्ट पॉइंट आपने बोला है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर US और यूरोप का ट्रिप से वापस आए तकरीबन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के अंदर, उस टाइम पे एक डिसीजन लिया गया, कैबिनेट डिसीजन लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान वाले इनकी जो आर्टिलरी थी हमारे बॉर्डर के ऊपर काफ़ी गोलाबारी जो है कर रहे थे, काफ़ी बर्बादी हो रही थी, तो एक कैबिनेट डिसीजन लिया गया कि 10 किलोमीटर तक हमारे ट्रूप जो है अंदर जा सकते हैं। तभी जो है ये बैटल हुआ। और जहाँ तक ये पीपा की बात है, पीपा जो ये टैंक आया था VBS टैंक, इसके अंदर जो इंडियन आर्मर्ड कोर था उसके लिए भी काफ़ी नई चीज़ थी ये, क्योंकि टैंक हमेशा ग्राउंड के ऊपर जो है मूवमेंट करते हैं और अटैक करते हैं, बट ये टैंक स्पेशली जो है आया था फॉर द रिवरीन टेरेन। अभी ये इसके अंदर जो है 3 गियर होते हैं, एक लैंड का होता है, एक लैंड एंड वाटर का होता है और एक होता है वाटर का। तो हमको पानी में दलदल से क्रॉस करने के लिए हम लैंड में जाते थे, फिर उसको स्विच ओवर करना पड़ता था टू लैंड एंड वाटर, और फिर जब सामने नदी या टाइडल रिवर आता था तो पानी में उसको फिर
तैरा के जो है ले जाना पड़ता था। इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, जब हमको भैरव रिवर जो है क्रॉस करना था जो कि टाइडल रिवर है, तो उस टाइम पे जो मेरे जो जो ड्राइवर था उसने अपना कपोला बंद नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से पानी जो है जोरों से अंदर आया और जो गियर बॉक्स के ऊपर गिरा और जो गियर था वो अटक गया और पानी के ऊपर तैरने के बजाय ये फ्लोट करना शुरू कर दिया दुश्मन की डाउन द रिवर भैरव जो कि आगे जाके बे ऑफ बंगाल में जो है जाके मिलता है जी। तो हम लोग लाइक अ शिप और लाइक अ बोट वी वर सेलिंग डाउन दैट पर्टिकुलर रिवर और तब जो है पहली टाइम हमको जिंदगी में घबराहट जो है महसूस हुई, क्योंकि पानी चारों तरफ और हम पानी के अंदर तैर नहीं सकते जी। जो उसका जो बहाव है उसी के साथ साथ हम लोग जो कोस्टल गन्स है पाकिस्तान की उसकी तरफ जो है पहुंच रहे थे। लकली काफी कोशिश करने के बाद सही टाइम के ऊपर, और मैं पढ़ रही थी उसी वक्त की वहाँ पर जो कोई ट्रूप्स मौजूद थे, जो जवान मौजूद थे, उन्होंने टैंक को तैरते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि चलो देखो पीपा तैर रहा है। तो उसी टाइम पे क्योंकि गांव में पीपे में तेल रखते हैं, तो वहीं से जो इसका नाम पड़ा पीपा। जब हम लोग शुरू में जब टैंक आया था और हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते थे तो उस टाइम पे जो जो सोल्जर्स होते हैं वो ज्यादातर गांव वगैरह से छोटे शहरों से आते हैं जी। तो उन्होंने इसका नाम जो है देखा जब पानी में तैर रहा है तो उन्होंने इसका नाम डाला पीपा। तो उनको लगा जैसे तेल का पीपा होता है गाँव में, तो टैंक को तैरते हुए देखा कि देखिए यहाँ पे पीपा तैर रहा है। जनरल बत्रा आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में और एयर वाइस मार्शल बिश्नोई जी भी आपके पास, पर उससे पहले डॉक्टर मिथुन इस तरीके की यादें, कितनी ऐसी कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां जो कि कहीं इतने सालों में खो जाती हैं, कोई ऐसी यादें हैं जो एक वक्त था जो कि बहुत मुश्किल हुई आपके साथ जो भी वॉर हीरोज मौजूद हैं, कि जब लगा कि शायद हमें जीत नहीं मिलेगी, शायद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर मिथुन। हाँ जी, मैं इसी सवाल पूछ रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल हारून रशीद से, क्योंकि उन्होंने वॉर फिल्म में फर्स्ट एंड जंग लड़ा। अब उसी वक्त जब आप जंग लड़ रहे थे इतना रिसोर्स नहीं थे, क्या आपका ये उम्मीद थे कि आप ये जंग जीतेंगे? डिड यू एवर यू नो एक्सपेक्ट दैट यू विल विन द वॉर? यू हैड ह्यूज लिमिटेशंस लाइक लिटिल वेपन्स, सप्लाईज, सिग्नल्स एंड अदर कम्युनिकेशंस, क्या आप इतना उम्मीद थे इतने सारे लिमिटेशंस के बाद? We were absolutely confident that we will win the war. Reason for two reasons. One is the whole nation was fighting and they were providing us support. Number two, morale was very high. Reason was we were fighting for a justified cause. Whereas the Pakistanis, morale was absolutely at the lowest level because first of all, they were fighting in alien land. Number two, they did not have the moral courage to fight here for an unjustified cause. Last, not the least, they got involved in looting, arsoning, violation of the women. So no more they were soldiers. So we were fighting animals and we were absolutely confident that we will win the war. However, I must say, we never realized that we will finish in 9 months. When Indian Armed Forces came in strength, well, that expedited the whole process. जब बारिश शुरू हुई तब लगा कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसी बारे में आप भी जनरल बत्रा बताना चाहते थे। अभी आपको ब्रिगेडियर मेहता ने PT-76 के बारे में बताया था। PT-76 एक रशियन टैंक है। PT stands for प्लावुशी टैंक का टैंक जो के तैर सकता है। जी। इस टैंक ने बांग्लादेश वॉर में बहुत अच्छा काम किया, लैंड पे भी, लैंड वाटर में भी और सब जगह पे। मैं मेरे स्क्वाड्रन जो कि मैं कमांड कर रहा था यंग मेजर, ए स्क्वाड्रन 45 कैवलरी, मेरे स्क्वाड्रन ने तकरीबन 15 बैटल्स में भाग लिया था जी। मैं आपको सिर्फ 4 बैटल्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको पता चले कि ये टैंक की कैपेबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले हमने एक रोड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया था, चुआ डांगा और झनेडा दो जगह हैं। चुआ डांगा इंसिडेंटली प्लेस है जो कि गवर्नर जनरल बंगाल के थे उस वक्त मिस्टर मलिक, उनका नेटिव प्लेस है। ये रोड ब्लॉक हमने तकरीबन 23 किलोमीटर दुश्मन के टेरिटरी के अंदर ट्रीट किया था, जिससे पाकिस्तान की दो फॉर्मेशन 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 107 ब्रिगेड दोनों सेपरेट हो गई थी और वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकी थी। 57 जो है वो
कुश्तिया से होती हुई हार्डिंग ब्रिज करके बांग्लादेश में चली गई थी। इस रोड ब्लॉक के बाद हमको एक बड़ा टास्क दिया गया था, एक रिवर पार करना था, मधुमती। मधुमती रिवर जो है वो तकरीबन 500 से 700 गज चौड़ा है। इस टैंक इसको पार करने के लिए हमने रात के वक्त दूसरे बैंक पे दुश्मन की दो बटालियन थी उनके सिर्फ उनके नाक के नीचे से हम टैंक लेकर गए थे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ जो पहला टैंक है वो मैंने खुद एज ए स्क्वाड्रन कमांडर चलाया था और हमने पाकिस्तानी को सरप्राइज़ कर दिया था। अगले दिन जब हमने उनके ऊपर अटैक किया तो उनके जो GOC थे जनरल अंसारी, GOC पाक के 9 इन्फेंट्री डिव, उन्होंने यकीन करना मुश्किल समझा कि कैसे टैंक पार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पार कर गए थे। और उसी के बाद 24 घंटे के बाद फिर उन्होंने की जो 9 इन्फेंट्री डिव है उसने सरेंडर कर दिया था। और पर्सनली मेरे लिए जो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है, जब हम एडवांस कर रहे थे मगुरा से फरीदपुर की तरफ और उससे आगे गोलंडा घाट की तरफ, फरीदपुर जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से शेख मुजीब ने इलेक्शन भी लड़ा था, उससे थोड़ा देर पहले पाकिस्तान के GSO-19 कर्नल मंसूर उल हक मेरे पास आए थे एक वाइट फ्लैग जीप के साथ सरेंडर करने के लिए। तो ये मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी मोमेंट थी, मेरे स्क्वाड्रन के लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए भी, जब हमने उनका सरेंडर लिया था। इसके अलावा कोई भी ऐसी मुश्किलात हमारे सामने इस टैंक के सामने आई, इस टैंक ने हमेशा पूरी करी थी और बहुत ही अच्छा काम किया था। बिल्कुल। और कितने लेवल्स पर इस जंग को लड़ा गया ए मार्शल बिश्नोई, क्योंकि आपने 65 की जंग में भी हिस्सा लिया, 71 की जंग में भी हिस्सा लिया, पर 71 में माहौल बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिस तरीके से जो झटका पाकिस्तान को लगा और खास तौर पर जिस तरीके से उनकी एयरफोर्स को इमोबिलाइज किया गया, उस ऑपरेशन के बारे में बताइए कि कैसे पूरे एक रनवे को एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया। एक तरीके से ऑन फुट हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे, टैंक्स थे, हमारी आर्मर्ड थी वहाँ पे, एयरफोर्स में कैसे आपने ये कारनामा किया ये बताइए आप। इससे पहले कि मैं जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दूँ, मैं इनके टैंक के बारे में कुछ नॉन सीरियस बात बताना चाहता हूँ। जैसे उनका देश था, जैसे वहाँ पे इतने दरिया और इतनी मार्शेज और इतनी लेक्स और पानी था, टैंक का वहाँ जाना असंभव था। और ये पाकिस्तान ने भी रियलाइज़ किया हुआ था कि जो भी होगा हिंदुस्तानी टैंक नहीं आएंगे। और जब भी हमारे टैंक आए, वो रात का समय था एक दफ़ा पहली बार, तो एक जवान जो वहाँ पे ड्यूटी पे था हवलदार साहब, वो भागा भागा अपने पाकिस्तानी मेजर के पास गया, उससे कहा कि साहब टैंक आ रहे हैं। उन्होंने कहा टैंक नहीं आ सकते इधर, तूने भैंसे देखी होंगी। तो उसने वो जवान था आर्मी के, था वो मेजर साहब, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने टैंक देखे। हाँ साहब आप ठीक कहते हैं, लेकिन उन भैंसों के सर के ऊपर तोपें लगी हुई हैं। तो ये था हाल वहाँ पर। अब आते हैं, आपने कहा आपका सवाल पूछा, अब एक टाइम आ गया समय पहले दिन की लड़ाई के बाद, जबकि हमारा मुद्दा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जितना जल्दी से जल्दी हम तबाह कर दें, उतनी ही जल्दी हमारी जो फौजें हैं ज़मीन के ऊपर आगे बढ़ पाएंगी। 3 तारीख की लड़ाई से उन्होंने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और 4 तारीख को हमने अपने हमले पाकिस्तान के ऊपर शुरू कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान में सबसे पहला जो हमारा टास्क था कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पाकिस्तानी एयरफोर्स को वहाँ से तबाह कर दिया जाए और उनके एसेट्स जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हमने सोचा कि हमारी 10 स्क्वाड्रन हैं, उनकी 1 है, हमें कुछ ही घंटे लगेंगे इस काम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पहले दिन के हमने कोई 100 से ज़्यादा ऊपर सॉटीज अटैक की पाकिस्तानी एयरफील्ड के ऊपर ढाका में, और उस दौरान में 100 सॉटी के दौरान में पाकिस्तानी एयरफोर्स हमारे खिलाफ हवाई जहाज़ उनके सेबर जेट्स उड़ते रहे, हमारा मुकाबला करते रहे। हमने उनके 3 हवाई जहाज गिरा दिए, और क्योंकि हम उनके दुश्मन के एरिया में
लड़ रहे थे और उनके एयरफील्ड के ऊपर जहाँ से नीचे गन्स भी चल रही थी, हमारे कोई 7 हवाई जहाज तबाह हुए, एक उसके अंदर एक कैनबरा था। उसी दिन शाम को जब हम लास्ट सॉर्टी पे गए तो हमने देखा कि अभी सुबह की तरह सेबर्स हमारा मुकाबला करने के लिए उठ नहीं रहे हैं जमीन से, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि जैसे उन्होंने 3 हवाई जहाज पहले दिन कुछ घंटों में खो दिए हैं, वो उनके पास कोई जहाज बचेगा ही नहीं थोड़े दिनों के बाद, तो फिर क्या करेंगे वो। तो फिर उन्होंने कैमोफ्लाज कर दिया। तो उन्होंने कैमोफ्लाज तो पहली जमीन के ऊपर था, वो जो हवाई जहाज जमीन के ऊपर थे, लेकिन जो 2-4 हमारे मुकाबले के लिए उठते थे वो नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो 2-4 दिन लड़ सकते हैं इस रेट से, तो उन्होंने हमारा मुकाबला ही करना बंद कर दिया। तो फिर आपका क्या स्ट्रेटजी थी? अच्छा, अब एक चीज और हो रही थी उसी साथ में, यूनाइटेड नेशन के अंदर बहस चल रही थी, अमेरिका के रेजोल्यूशन था कि इंडिया को सीज फायर हो जाए और जल्दी से उनको बाहर निकालिए बांग्लादेश से। अब ये था कि पहले हम कौन पहुंचता है कि वो रेजोल्यूशन पास पहले होता है या हम पाकिस्तान एयरफोर्स को। तो बेसिकली आपका मकसद था कि इससे पहले कि सीज फायर हो आप उनके रनवे को खत्म करें। बिल्कुल नहीं जी, कोई और तरीका नहीं था, सीज फायर ना भी होता फिर भी अगर वो हमारे सामने नहीं आते तो और याद दिखते नहीं है तो हम उनको मारेंगे कैसे उनको। तो फिर मैंने ये सलाह दी अपने स्टेशन कमांडर को और ईस्टर्न कमांड को भी कि कोई हमारा तरीका नहीं बचा हुआ हमारे पास, रनवे को तबाह खींचे, क्योंकि जब रनवे नहीं होगा तो कोई हवाई जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स का नहीं उड़ पाएगा। तो कुछ बहस करने के बाद में वो कहने लगे कि बहुत ख़तरनाक है, ऐसा नहीं करना, तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। मैं उनको कन्विंस कर पाया कि कोई और तरीका है ही नहीं। तो उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग 6 तारीख की सुबह को उन्होंने मुझे तेज़गांव एयरफील्ड के ऊपर बॉम्बिंग अटैक की मंजूरी दे दी। मैं उस सुबह कोई 9 बजे के करीब 4 मिग हवाई जहाज 2 बॉम्ब ईच 500 केजी के बॉम्ब थे वो उड़ा, साथ में मैं सेबर्स को अटैक से बचने के लिए 2 एस्कॉर्ट भी लिए जिनके अंदर K-13 एयर टू एयर मिसाइल थी ताकि वो अगर हम इंटरसेप्ट हों सेबर से तो वो उनको संभाल सकें। हम जैसे ही वहाँ तेज़गांव पहुँचे 2 सेबर एकदम से उड़ के हमारे सामने आए, उनको मैंने बताया, मैंने देखा सबसे पहले उनको आते हुए, तो मैंने अपने एस्कॉर्ट्स को बताया, हम उनका नाम देते थे बदमाश। मैंने कहा 2 बदमाश रनवे पर टेक ऑफ कर रहे हैं, तो मेरे एस्कॉर्ट लीडर ने कहा कांटेक्ट हमें दिख रहे हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, इनको हम देख लेंगे और आप अपने हमले के लिए कर दीजिए। तो हमने जो हमारे वॉर हीरोज़ वहाँ ढाका से हमारे साथ जुड़े हैं, 50 साल बाद इतनी मेमोरीज हैं, हर कोई कहानी है, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं तो मैं जब बोनगा में एसडीओ था और जब 24 परगना में डीएम था तो वहाँ पे ऐसे घर हैं अभी भी हैं जिसका रहने का जगह बांग्लादेश में है और किचन मतलब रसोई इंडिया में है अभी भी, तो ऐसे घर हैं। तो ये जो बॉर्डर जो कहा जाता है ना, ये तो अंग्रेजों ने एक लाइन खींच दिया कहीं से तो बॉर्डर बन गया, पर ऐसा कोई बॉर्डर है ही नहीं। डॉक्टर मिथुन, लास्ट थॉट्स आपके जो गेस्ट हैं वहाँ पर, एक शेयर्ड हमारा पास्ट रहा है और अब एक शेयर्ड फ्यूचर भी होगा। श्योर, हम सभी सुन रहे थे जो गेस्ट ने बता रहे थे स्टूडियो में, हमारा गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी सुन रहे थे। हमारा जो फ्यूचर है बांग्लादेश इंडिया की जो संबंध है, एक साथ हम चल रहा है और पिछले 50 साल पिछले जो चलना शुरुआत किया अभी वो उसका 50 साल बन गया, हमारा जो फ्यूचर है ये कैसे हो सकते हैं अगले दिन में, क्या बोलेंगे इसके ऊपर में लेफ्टिनेंट जनरल हरुण? ये लास्ट थॉट है, लास्ट व्यूज यू आर पुटिंग ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट इन द नेशनल पॉलिटिक्स बट आउट ऑफ दैट आई एम अ सोल्जर। आई थिंक दैट इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप इज इन इट्स पीक, इट मस्ट कंटिन्यू, वी हैव टू नरिश द फ्रेंडशिप दैट वी हैव सो फार एस्टैब्लिश्ड। बट लेट मी ऑल्सो वेरी फ्रेंकली से, it's not without challenges.
We have to face the challenges squarely, jointly. We have not been able to kill the border, to stop the border killing as yet. We have not been able to solve the Tista barrage issue. We have not been able to solve the water issues. These are the issues which are exploited by anti-India Bangladesh forces. And because of that exploitation, the achievement that are there is always, or I would say sometime, it looks down. So I think that it is time for us to understand that we face political challenges because of the problems that still exist and it needs to be solved. Politically, many a times it has been agreed that there will be no problem for Bangladesh and India. I'm sure it has been done. We have solved the boundary issue, we have solved the enclave issue, we have solved the maritime boundary. But my question is, the remaining problem does not require 50 years to solve. It takes only few hours to stop the border killing. India has allowed 3,000 items tax-free. Non-tax barriers has given us not even 100. बड़े सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसमें अभी भी मुश्किलें होती हैं, पर आगे बढ़ रहे हैं. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा एक ऐसा इतिहास रहा है जहां पर बहुत मुश्किल दिन हमने देखे हैं और उसके बावजूद हम लगातार इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पे हम ये स्वर्णिम दिवस मना रहे हैं. साथ में जॉय बांग्ला, जॉय इंडिया, आप का वहाँ से ढाका से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके साथ जो लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. देखने के लिए धन्यवाद.